तो जैसे कि मैंने कहा था, हमारा मिशन शुरू होता है पेपर काटने से। बेशक पेपर काटने में कंजूसी हुई है, इसलिए सोचा था कि ये काम लड़कियों को दूं। खैर फिर हमारे जवान निकल पड़े अपने मिशन की ओर, लेकिन सर हिलाने वाले कुछ कुत्तों की गैंग ने हमारे कमांडर के साथ जवानों का मन मोहित कर लिया था। तो किसी तरह ये प्यार से दिखने वाले खुखार कुत्तों की गैंग से बचते निकलते हमारे जवान आगे बढ़ने लगे अपने मिशन की ओर। लेकिन मिशन के दौरान कई सुगंध खाने हमारे जवानों का मन मोहित कर रहा था, लेकिन हमारे जवानों ने कहा, भाड़ में जाओ, पहले काम फिर दूजा। तो इसके बाद हमारे जवान लोगों से बचते हुए अपनी मंजिल पे पहुंचे। तो कमांडर और उनके जवान पहली मंजिल पे पहुंचते हैं और वहाँ पे भीड़ देख के उनका मनोबल टूटता है। तो सोचा कि कोई खुफिया रास्ता देखते हैं। खुफिया रास्ते के आगे बढ़ते ही हमें पता चला कि नीचे के और मामा के साथ चाचा भी थे। इसका मतलब है कि हमारे पूरे आर्मी को मामा और चाचा से एलर्जी है। उसके बाद हमने सीधा रास्ता चुना और हमारा कमांडर गए टिकट काउंटर के पास, और वहाँ पे जाके पता चलता है कि टिकट काउंटर की प्राइस अधिक होने के कारण हमारा कमांडर भाव तोड़ करने लगे। लेकिन टिकट काटने वाला एसबीआई का एजेंट निकला और कहा, लंच के बाद आना। तो इतना सुनते ही कमांडर अपना आपा खो बैठते हैं। इसके बाद कमांडर ने उसे बिना साबुन की ढो डाला और कुछ टिकट अपने अंदर कब्जे में ले लिया। ये देखकर जवानों का मनोबल और भी बढ़ता है और अपने कमांडर के प्रति इज्जत और बढ़ जाती है। इस मौके का फायदा उठाते कमांडर ने टिकट पीछे लिख दिया, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। तो इसके बाद जवान मिशन के प्रति अपने कदम और भी तेजी से बढ़ाने लगे। लेकिन ये सारे लोग बेखबर है इस बात से कि इनकी पीठ के पीछे क्या साजिश रची जा रही है, और हमारा कमांडर जवानों के पीछे खड़े होते लगातार सपोर्ट करते हुए, और हमारे कमांडर ने अपना स्पेशल इशारा दे दिया। इसका मतलब है, जवानों तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। और हमारा कमांडर बेखौफ बेनिडर अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते हुए। लेकिन पता नहीं हमारे जवान कुछ अजीब से मगरमच्छ को देख के भयभीत हो रहे थे। लेकिन हमारे दूसरे जवान ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, भाई जान तुम्हें मिशन याद है ना। तो इतना सुनते ही जवानों में आत्मविश्वास चरम सीमा पे पहुंच गई और लोगों के बीच में से अपनी रास्ता चीरते हुए बनाए। हर बार की तरह एक बार फिर जवानों के बीच में एक मुसीबत आ पड़ी। अंडर जाने के लिए टिकट की आवश्यकता थी, लेकिन जवानों के पास कुछ नहीं था। एक बार फिर कमांडर मसीहा बन के आते हैं और 500 रुपए का रिश्वत दे के टिकट को हासिल कर लेते हैं, और सभी जवानों के सामने उन्हें उनका लक्ष्य दिखता है घूमते हुए। इसके बाद कमांडर के साथ जवान एक पतली सुरंग के रास्ते अपने मिशन को अंजाम देने निकल पड़ते हैं। तो कमांडर को ये समझ आ जाता है, आगे का सफर जवानों को खुदाई करना होगा। उसके बाद कमांडर ने एक लाइफ चेंजिंग स्पीच दिया। आप देख सकते हो इधर है। तुम लोगों को लगा कि कमांडर सिंपल एंकरिंग कर रहा है, लेकिन ये एंकरिंग नहीं था, ये सीक्रेट कीवर्ड था। इसका मतलब था, जवानों भाड़ में जाओ, तुम लोगों के कारण मेरा 500 का चूना लग गया। लेकिन जवानों ने ये ठान रखी थी कि कमांडर का 500 रुपए वेस्ट नहीं होने देना है। तो सारे जवानों ने फोकस से अपने टारगेट को लगातार देख रहे थे, एक के बाद एक उनके सामने से डब्बे चाही जा रहे थे, और सब लोग ये सोच रहे थे ये साला रुकेगा कब। तो आखिरकार हमें भी बैठने के लिए जगह मिल जाता है और हम सब लोग अपना जगह ग्रहण करते हैं। और इसी दौरान लगातार कमांडर हम पे नजर बनाए रखे थे, और हमें ये लग रहा था कि कमांडर अपनी नजरों से लगातार ये कह रहे हैं कि गलती का कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो जवानों से एक बार कंफर्म पूछने के बाद कि सारी तैयारी हो चुके, जवानों ने कहा यस सर। तो मिशन चालू होने में कुछ समय था, तो सोचे कि जवानों के साथ थोड़ा सा व्यू का मजा लिया जाए। लेकिन हमारी खुशी वहीं पे रुक गई जब हमें पता चला कि कुछ खुफिया लोगों को हमारी जानकारी मिल चुकी है। उन लोगों ने हमारे पीछे एक एजेंट भेज दिया। तो मिशन के शुरू होते हमें ये पता चल गया, ये एजेंट तो चाय कम पानी निकला। तो अभी बारी आ गई थी मिशन को अंजाम देने की। Can we skip to the good part? आखिरकार हमारा मिशन सक्सेसफुल रहता है, और उसके बाद कमांडर और जवानों ने मिलकर जबरदस्त पार्टी की, और यहाँ हमारा मिशन सफलतापूर्वक खत्म होता है।